वेदी के सामने हम एक फीता देख रहे हैं, या फीता एक 25 वर्ष जो फादर जोर्ज वैलेंटाइन कलकत्ता बहुत खुशी खुशी से पुरोहिताई जीवन को जिए हैं, और इसलिए वे आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वे उसी बाली वेदी की ओर कदम से कदम बढ़ाते हुए वे आ रहे हैं, और इस पीते को काटते हुए आज का 25 वर्ष का जो पुरोहिताई जीवन है उसका उद्घाटन करेंगे। युवक संघ सभा नेत्री रेशमा लुगुर, फादर बसील सोरे, फादर अरविंद बरला कोटी धरप्रांत, श्री विमल केरकट्टा, सुमन ज्योति तिक्का रांची पोखटोली से, वीणा सुधा खलपो, मिले बहुत से उपकारकों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ पढ़ने वाले सभी सभी दोस्त यार आज हमारे बीच में हैं, फादर अजय, फादर बसीर और अन्य, और उससे भी अधिक जिससे मैं बचपन से अपनी जिंदगी बिताया है, अजय खलखो और उनके परिवार, और विदेशों में प्रभु ने मेरे साथ अनेकों को खड़ा कर दिया जिससे मैं अपने पुरोहिताई का जीवन को अच्छी तरह जी सकूं। वितोरियो पलमीना अल्बालोसा चेजीरा फेर्नांडो फ्लोरा लुगानो धर्म प्रांत के बिशप स्वामी, लुगानो धर्म प्रांत के सभी पुरोहित भाइयों, सभी शुभचिंतकों जो यहाँ पर उपस्थित रहते किंतु नहीं आ सके, सलमीनी दमियानो मत्तिया जनलुक फादर अब्बाते फादर एरेन्यूस, और उनके साथ साथ अनेकों उपकारकों को मारियो, और सभी उपकारकों को मैं प्रभु के सामने रखता हूँ। प्रभु उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचाए रखे, उन्हें अपने आशीष और कृपाओं से भर दे, उन्हें यह कृपा प्रदान करे कि वे सदा दूसरों के लिए जी सके। प्रभु सबों को अपने प्रेम में संजोए रखे। Thank you.
संत मति के अनुसार पत्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। सुसमाचार का सार है, यीशु ने अपने बपतिस्मा के तुरंत बाद ईश्वर के आत्मा को अपने ऊपर उतरते देखा। यीशु योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यर्दन के तट पर पहुंचे। योहन ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर योहन ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आज दो समारोहों का मिलन, यानी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा का दिन और इसके बाद हम सामान्य काल शुरू करते हैं, और दूसरा इसी दिन अर्थात आज के दिन ही हमारे श्रद्धेय फादर वैलेंटाइन केरकेट्टा का रजत जयंती वर्ष और उसका समारोह भी हम मना रहे हैं। ऐसे दिन में आज के पाठ हमें 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये 3 बिंदु हमारे लिए सांकेतिक हैं, साथ साथ प्रेरणादायक भी है, ना केवल पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, लेकिन समस्त बपतिस्मा प्राप्त हम सबों के लिए। ये 3 मूल बिंदु, पहला पुत्र या पुत्री, पहला बिंदु के रूप में मैंने लिया है और आज के पाठों में इसकी चर्चा है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह पिता ईश्वर की घोषणा है अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए, और इस बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने ईश्वर पिता की आत्मा को ग्रहण किया और उसके बाद ईश्वर पिता के काम में लग गए, अर्थात ईश्वर के राज्य की घोषणा करने उन्होंने शुरू किया। बपतिस्मा प्राप्त हम में से प्रत्येक जन भी इसी गौरव को प्राप्त किए हैं, अर्थात बपतिस्मा जब हमने पाया, मुझे लगता है यहां जितने भी लोग हैं अधिकांश लोग इस पल्ली में बपतिस्मा प्राप्त किए हैं, इसलिए आज अपने बपतिस्मा का दिन भी याद कीजिए कि यह बपतिस्मा हमारे लिए क्या इंगित करता है। यह इंगित करता है कि इसके द्वारा हम ईश्वर पिता के पुत्र और पुत्री बन गए हैं और साथ ही साथ कुटुंगिया पल्ली के पुत्र और पुत्री भी बन गए हैं।
क्योंकि यह कुटुंगियापल्ली कलीसिया ईश्वर का है और इसलिए हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए। इतना बड़ा गौरव हमने प्राप्त किया है। तो आज हमें पिता पुत्र और पुत्री होने का गौरव तो प्राप्त करना ही है, लेकिन इसके प्रति इसके बाद हमारा जवाबदेही क्या है उसको अधिक समझने की आवश्यकता है। एक धर्माध्यक्ष के रूप में, पुरोहित के रूप में, धर्म समाज धर्म बहन के रूप में, धर्म बंधु और साथ साथ बाप्तिस्मा प्राप्त लोक धर्मी के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? पुत्र पिता से पुत्र कैसे प्रसन्न हो सकता है, यह आज हमें सोचने और समझने की बात है और इसको आज के पहले पाठ में भी हमें इंगित किया गया है। पुत्र से पिता तब प्रसन्न होता है जब पुत्र उसको जानता है, यानी पुत्र का कर्तव्य है पिता को जानना, उसका स्वभाव को जानना, उसकी कार्य प्रणाली को जानना और उसी के तरह इस दुनिया में कार्यरत रहना, यही पुत्र को जानकारी होने की आवश्यकता है। दूसरा कि पिता उस पुत्र और पुत्री से तब प्रसन्न होते हैं जब वो आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारिणी पुत्री हो। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 8 में हम पाते हैं, खुद यीशु ईश्वर होते हुए भी दास का रूप धारण किए।
शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। जिसके बाद जो है अपने पुरोहिता के जीवन में जो है बिशप ग्रामपा को दिए, बिशप तोनी को दिए, बिशप वालेरियो को दिए हैं। उसके साथ साथ जब मैं अपना कार्य क्षेत्र यहां शुरू करने गया, यहां शुरू करने के लिए आया, तो बिशप स्वामी को दिए, हमारे बिशप स्वामी हैं, और यहाँ के बिशप स्वामी, यहाँ से के जन्मे बिशप स्वामी आनंद जोजो को दिए हैं। और जो है जब मैं पुरोहित के रूप में यहाँ पर पहुंचा तो मुझे मेरे हाथ पकड़ कर चलाने वाले फादर सुशील गुड़िया को दिए। जब मैं यहाँ छोटा शुरू आया तो वह मुझको मोटरसाइकिल चलाने सिखाने लगे, हर चीज को सिखाने लगे। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर चलना सिखाया। और जो है फादर अजीत पॉल के कट्टा, उसके बाद फादर अनूप टोप्पो पहुंचे, जो कि यहाँ पर मेरे साथ हैं। फादर प्रमोद खेस को दिए, ब्रदर डोमिनिक डांग को दिए, ब्रदर दीपक सोरेंग को दिए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि कात्री सभा के सदस्य हैं, महिला संघ के सदस्य हैं, आप सबको दिया है। मुझे यह कृपा प्रदान किया है कि मैं आप सबके साथ में अपनी पुरोहिताई को जी सकूं। मुझे खुशी है आप सब यहाँ पर, आप सबको यहाँ पर उपस्थित देखकर। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, मुझे यह कृपा दिया कि मैं यहाँ कार्य कर सकूं आप सबके सामने, आप सबके साथ। जो कि यहाँ पर जो है देखिए, राजकट के शहीद स्थल को मुझे प्रदान किया, जिसका जिसकी मृत्यु हुई 1964 में मार्च महीना में, और मैं जन्मा 1964 में जुलाई महीना में, और वही उन्हीं का मिशन को मुझको आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर प्रदान के भेजे हैं। तो मैं अपने पुरोहिताई को आप सबके साथ जी रहा हूँ। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबकी प्रार्थना, प्यार, सब चीज के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सब इसी प्रकार प्रार्थना प्यार मुझे देते रहिए, जिससे कि मैं अपनी पुरोहिताई को अच्छी तरह से जी सकूं। सभी पुरोहितों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उनकी उपस्थिति के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। सही में पुरोहित भाइयों, आप सब मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। छोटे बड़े हर दृष्टिकोण से देखिए, मैं स्विट्जरलैंड में था, बहुत सारे शुभचिंतक लोग आए, लेकिन जब भाई प्रेम की कमी थी तो बहुत सारे भाई प्रेम देने वाले, बेंजामिन डुंगडुंग हैं, टोबियस टोप्पो हैं, इधर राजेश टोपनो हैं, फबियन डुंगडुंग हैं, उनको इधर दूर दराज में भी प्यार देने के लिए मुझको भेजे, उनको अपने प्यार बांटने के लिए। इधर में बीना सुधा खलखो है, उसको भी वहां पर मिला। इधर में है सुमन ज्योति तिग्गा, जो कि वही पर इटली में बसी हुई है। यस तोप्पो, फादर प्रदीप क्रिकेट्टा मेरे भतीजा भी, फादर फेलिक्स सुमन लकड़ा, फादर प्रमोद खेस,